चक्कर बीवी को दिया। अब भी जब घरों में फसाद आता है तो कोई शैतान बीवी ही को वरगलाता है। बिल्कुल, उसे पता है कि मर्द पे इसकी कितनी चलती है। वरगलाएगा हमेशा औरत को। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर अपने घर को बचाना है तो बस बीवियों से कहो कि स्ट्रिक्ट रहें, गैर मुतल्ला शख्स की बात नहीं सुननी। जो मुतालिक नहीं है आपसे, आपके घराने से, उसकी बात नहीं सुननी। सही बात, महफूज हो जाए। सही बात, बहुत अच्छी बात। और उम्र होता भी है, बाहर की कोई ऐसी होती है जिससे बंदे की हाथ काट। अब मसाल तो हमारे पर लोग आते ना, जनरली आ गया कोई, वो जी किसी ने कुछ कर दिया। अब उसको कहा किसने है ये, या घर की सुपरानी ने कहा होगा या घर के ड्राइवर ने कहा होगा कि तुसी डॉक्टर को सरकार जा रहे हो, बाबा जी तुसी फलां अमल को जाओ। बेड़ा गर्क हो जाता है। बाबा जी ने ना माशरे पे सही नबज रखी है, नबज शनास है सही आप माशरे पे। तो इसलिए ना मैं आपको अपना बताऊं, अभी यानी कि मियाँ बीवी के रिलेशनिंग को समझना है तो उसके लिए छोटी सी मिसाल देता हूं। कभी ऐसा होता है कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि आज मैं घर जाऊं तो ये बना हुआ हो, ये पक्का हुआ हो। आप यकीन मानिए, जब मैं घर में एंटर होऊंगा तो वही चीज़ सामने पेश होगी। और दूसरी तरफ ये होता है, मेरी बीवी घर में सोचती है कि आज तो इरफान अगर भले ले आए ना, या ये फलां चीज़ ले आए तो मज़ा आ जाए, मेरे हाथ में वही होगी। बाखुदा, इसका मतलब है हम एक दूसरे की फीलिंग में जिंदा हैं। एंड दिस इज लव। और इससे बढ़ के क्या चाहिए यार। जब कोई आप में जिए, इससे बढ़ के कुछ चाहिए।